अधिक विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, धरने पर बैठ गए हैं, कई आरोप भी लगाए हैं उन्होंने सरकार पर। इसी पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता शरफुद्दीन जुड़ गए हैं। जिस शरफुद्दीन, आपसे जानिए क्या पूरा मामला है जिसके तहत बीजेपी विधायक 200 से अधिक संख्या में धरने पर बैठ गए हैं। ये हम आपको बता दें कि आज जो है सत्र शुरू हुआ, सत्र में ही गए हमारे विधायक पहुंचे, उन्हें विधायकों ने अपना मन बना रखा था कि जिस तरह उनके जो काम थे वो कहीं से विफल नजर आ रहे थे, जिनकी जो उनकी बातें थी वो विफल नजर आ रही सरकार के अंदर, जो उनके जो अपने मौजूदा हालात जो हालात जो उन्हें अपनी राय दी है सरकार को वो उनके सही विफल नजर आई, उन्होंने जो बातें कही वो भी विफल नजर आई, तो उन्हें अपना मन बना दिया कि हम जो है कहीं कहीं जो है सरकार से कहीं पिछड़ना चाहते हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। ने कहा कि हम जो है सपा के साथ जाना चाहते हैं और सपा के सुप्रीमियों अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं और जो है सही हम जो है इस्तीफा देने का भी मांग उन्होंने की। अगर सही जब ये बात सामने आई तो हर एक हलचल से बच्चे उसमें सदन के अंदर उसके बाद सदन में जो है ये बात सामने आई कि जो सपा के अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं, तो बीजेपी के जो बड़े बड़े आला अधिकारी थे जो बड़े लीडिंग पे जो बैठे हुए हैं उन्होंने फौरन जो है उन विधायकों से मिले, मिलने के बाद अपनी अपनी राय रखी क्या आपकी परेशानियां क्या होंगी, जो है बड़ी जो है वो हो गई कि जो है आप जो है सारे लोग 213 203 लोग जो है आपने इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है बीजेपी को झटका लगा और फौरन जो है दिलीप शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ने जो है उनसे मिलने के लिए मिले और उनसे समझाया हम जाए कि आपकी परेशानियां हैं और जो है उनकी परेशानियां और बैठ के कैबिनेट की बैठक में बैठी है और उसको जो है कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की गई और उनको समझाने की कोशिश करने के बाद कुछ विधायक जो है उनके साथ पहुंचे मगर फिर भी अभी 10-12 विधायक जो है सदन के अंदर बैठे हुए हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगा है, किस तरीके के उत्पीड़न की यहाँ पर बात हो रही है? सारे विधायकों ने ये कहा है कि हमारे किसी तरह का भी कोई भी काम होता है जो है हम सरकार से कराने की कोशिश करते हैं उसमें नाकाम रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह क्या है सरकार की जो ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं चाहे वो बंसल को कहा जाए चाहे आगे योगी आदित्यनाथ को कहा जाए वो उनका कोई भी काम जो है उनका काम नहीं होता है उसके बावजूद भी उनको कहने की फटकार मिलती है। एक विधायक को फटकार मिलती है, एमएलए को फटकार मिलती है, योगी आदित्यनाथ एक अलग से मुहिम बना रखा हुआ है जो विधायक को कहीं ना कुचल के जो है नीचे दबा करके रख दिया जाए उसकी वजह से जो है विधायक भी कहीं कहीं जो है अपने आप को ये सोच रहे हैं सीट मिलने का वजूद भी हम लोग जो है आम तरह की जिंदगी जी रहे तो ऐसे विधायक होने से क्या फायदा कि हम कहीं इस पे जो है दूसरा पक्ष पकड़ लें। जी शरफुद्दीन, मौजूदा स्थिति क्या है, क्या डिप्टी सीएम द्वारा इन विधायकों को मना लिया गया है? हाँ ठीक है, इनको जो है बात की गई है, बातों से जो है अपने तैयारी करी बातों से और लखा करके उनको बुलाया गया और समझाया गया। इससे पहले भी कई बार ऐसे विधायकों ने जो है फैसले लिए हैं, कभी कभी 10 विधायक ने लिए, कभी कभी 20 विधायक ने लिए, हम जो विधायकों ने फैसले लिए वो 203 लोगों ने फैसला लिया कि हम जो है कहीं इस्तीफा देंगे और दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करेंगे, तो सीधा पार्टी का जो दायरा था वो सीधे अखिलेश की तरफ जा रहा था। इसके अंदर हलचल मची और जो है योगी आदित्यनाथ ने फौरन अपने वोटों को अपने मजबूत जो साथी जो कि करने थे सीएम दोनों को उन्होंने विधायकों का तब भेजा तो कुछ किया और कहा या सबसे पहले उनको समझाइए जाकि जो भी मांगे हैं या कोई परेशानी है उनको दूर की जाएगी, पहले बैठ के बात की जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 200 से अधिक जो विधायक थे इन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया, धरने पर बैठ गए, कई आरोप भी उन्होंने लगाए, तो इसे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक खतरे का संकेत माना जाएगा। हम बता दें घंटा बच चुका है बीजेपी की सरकार का जो है जो घंटे की जो है जो शक्ति हुई है जो सवाल शक्ति हुई है वो बहुत कमजोर हो रही है और जो तलवार कहीं गिरती है तो विधायकों को जो है अलग अलग करने का काम करेगी ये तलवार। फिलहाल अभी जो है मौजूदा हालत में हम ये बात को बता दें बहुत अहम ये बात है कि सबसे बड़ा सवाल है निशान सरकार के ऊपर हो रहा है कि इनके जो जनता जिसका शिकायत वही विधायक जो उसको पूरा करते थे आज वही विधायक उसकी के कटाचरी में खड़े हुए हैं, वो अपनी परेशानियां जो है सरकार को बताते हैं मगर वो परेशानियां दूर नहीं होती, चाहे वो किसी चीज का मामला हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे वो अपने घर की बात कर रहे हो, चाहे वो ईडी कहना चाह रहे हो कि मेरे सरकार के अंदर मुझे को जो पीड़ित किया जा रहा है पीड़ित हम लोग का कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जिसे हम अपने बच्चे का काम कराना चाहो चाहे किसी चीज का काम कराना चाहें तो मेरा वो काम नहीं होता है कि पहले के 4-5 हम लोग 3 लगते थे मगर 4-5 महीने लगने लगे। जी शर्मा जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है जहां पर बीजेपी के 200 से अधिक विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं कि वो जो भी किसी भी कार्य के लिए अगर वो ऊंचे अधिकारियों के पास मंत्रियों के पास जाते हैं तो उनका काम नहीं होता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, इसी से नाराज होकर वो धरने पर बैठ गए।
पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए विस्टार न्यूज के साथ। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात।